बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज नंबर 4.1, क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई। मैंने शुरू वीडियो में यह कहा था कि इस चैप्टर में हम पहले बेस को देखेंगे और फिर एक्सपोनेंट के देखेंगे, और हमने एक्सपोनेंट के जो भी लाए थे वो भी पढ़े हैं। तो अभी ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, 3 के पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3 के पावर 2। तो आप सबसे पहले इसका बेस देखें, बेस सेम है, बिल्कुल सेम है, और इसका जो इसके बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई साइन है। तो ये हमारे पास कौन सा ला है, प्रोडक्ट ला है, और हमने प्रोडक्ट ला में ये पढ़े थे कि जब बेस सेम हो तो पावर आप ऐड करें। तो बस हम इसको इस तरह करेंगे, बेस कम लेंगे, पावर को ऐड करेंगे, और ये हमारे पास आएगा 3 के पावर 4। तो हमारे पास क्या है, 3 के पावर। क्वेश्चन नंबर 2 को देखो, हमारे पास क्या है क्वेश्चन नंबर 2 में, इस चैप्टर में हम पहले बेस को देखेंगे, फिर पावर को। बेस को देखो, बेस हमारे पास क्या है, सेम है, तो बेस 1 लेंगे, पावर को ऐड करेंगे। तो हम इसको इस तरह लिखेंगे 5 - 4 + 6, और ये आता है 5, 6 से -4 निकल जाए तो 2। ये हमारे पास इसका आंसर है। इस क्वेश्चन को देखो, ये इसको हम मिटाते हैं। अभी इसके देखो, 2/7 के पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 2/7 के पावर -5 मल्टीप्लाई बाई 2/7 के पावर 7। बाजार क्वेश्चन मुश्किल लग रहा है, लेकिन इस चैप्टर में हमने पढ़ा है कि बस बेस को देखो या पावर को। तो सबसे पहले आप बेस को देखेंगे, बेस क्या है, सेम है कि नहीं। बस बेस 1 लो, बेस आप 1 लेंगे इन 2/7, और पावर को क्या करेंगे आप, ऐड करेंगे, यानी 2 + -5। तो प्लस जब माइनस 5 फिर माइनस 5 आता है, तो इस वजह से आप बस सिर्फ -5 लेंगे और फिर +7। सिंपल बात है, 7 से -5 निकल जाए 2, और 2 के साथ 2 ऐड हो जाए तो क्या आता है, 4। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, 2/7, और 7 से 5 निकल जाए 2 आता है, 2 से 2 ऐड करें 4। तो ये भी इसका आंसर है। आप इस तरह भी कर सकते हैं कि ये 4 जो पावर है ये 2 पे भी ले और 7 पे भी ले, यानी मतलब इस तरह भी आप लिख सकते हैं, 2 के पावर 4, 7 के पावर 4, लेकिन यहाँ तक भी काफ़ी है। मतलब ये है कि इस चैप्टर में आप सिर्फ बस बेस को देखो, पावर के देखो। ये सबसे पहले आप इस क्या देखेंगे, आप देखेंगे बेस को। बेस क्या है, डिफरेंट है। अभी आप एक्सपोनेंट पे जाओ, पावर पे जाओ, पावर सेम है तो बस ठीक है। हम इसको इस तरह लिखेंगे, हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि 2/7 मल्टीप्लाई बाई 3 होल पावर, क्या लिखेंगे, 3। ये ला हमने पढ़ा था कि अगर a के पावर m हो, b के पावर m हो, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, a मल्टीप्लाई बाई b पावर m। यही ला हमने भी इस्तेमाल किया, यहाँ a जो है वो 2/7 है, b जो है वो 3 है, और 3 जो पावर है वो m है। तो इसको अब इसको हम क्या करेंगे, इस पर इसको मैं लिख सकता हूँ 2/7 मल्टीप्लाई बाई हर नंबर के डिनोमेटर में 1 आ सकता है, तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, और जो 4 हैं वो तो लेंगे। अभी हमने मल्टीप्लिकेशन के रूल पढ़ा है चैप्टर नंबर 2 में, कि अगर एक फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर और दूसरी का डिनोमिनेटर आपस में सिंप्लीफाई हो सकता है, सिंप्लीफाई कर सकते हो। अगर नहीं हो सकता, अगर एक फ्रैक्शन का खुद डिनोमिनेटर और नोमिनेटर सिंप्लीफाई हो सकता है तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अभी इसमें हम नहीं कर सकते हैं। तो तीसरा यह है कि आप नोमिनेटर को नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो। तो 3 = 6 and 7 = 7, और इसके जो पावर है वो 3 ले, तो ये भी सिंप्लीफाई हुआ। इस तरह 5/8 है क्वेश्चन नंबर 5। 6 भी मैंने छोड़ा और 8 भी मैंने छोड़ा, क्योंकि वो आसान है, वो आप खुद करें, और बाकी जो थोड़े मुश्किल थे, मुश्किल तो नहीं है लेकिन बस ये उसमें से मुश्किल थे, तो
ये मैंने सॉल्व किया और बाकी जो दो बच गए वो आप खुद सॉल्व करें। और पाइप क्या है, वो है 5/8 और इसके जो पावर है वो 4 है, और 16/5 और इसका पावर भी 4 है। पहले बेस को देखो, बेस बिल्कुल डिफरेंट है। अभी पावर को देखो, एक्सपोनेंट के देखो तो सेम है। हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 5/8 और 16/5, यानी ये जो लाता है ए के पावर एम मल्टीप्लाई बाई बी के पावर एम, इसको हम लिख सकते हैं ए मल्टीप्लाई बाई बी होल पावर एम। तो इसको भी हमने इस तरह लिखा। अभी मल्टीप्लीकेशन जो चैप्टर नंबर 2 में हमने पढ़ा है, याद रखे मैथ्स में जो चैप्टर हम पहले पढ़ते हैं वो, मगर इस तरह अगर हमने दूसरा चैप्टर पढ़ा तो ये तीसरे में इस्तेमाल होगा, तीसरा चैप्टर 4 में इस्तेमाल होता है, कहीं ना कहीं वो इस्तेमाल होता है। इस तरह ये जो अभी ये जो हम सिंप्लीफाई करते हैं, हमने कहा उसने कहा कि सिंप्लीफाई करो, तो ये जो सिंप्लीफिकेशन है ये हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा है। और चैप्टर नंबर 2 में हमने इस तरह पढ़ा है, अगर एक फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर और दूसरा का न्यूमिनेटर आपस में सिंप्लीफाई होते हैं तो आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। 5/5, 5/5, 8/1/8, 8/2/16, तो ये हमारे पास आया 1/1 मल्टीप्लाई बाई 2/1 और होल पावर क्या है 4 है। तो 1/2/2, 2/1/1, सॉरी 1/2/2, 1/1/1 होल पावर 4, और इसका मतलब है 2 की पावर 4। अगर आप इसको मज़ीद सिम्प्लीफाई करें तो इसका आंसर 16 आता है, लेकिन यहाँ तक भी काफ़ी है। इस तरह बस इस चैप्टर में आपको देखना है बेस और एक्सपोनेंट। इंतहाई आसान चैप्टर है और बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस तरह क्वेश्चन नंबर क्या है 7, 7 में क्या है, 7 में है -4 की पावर 3 और -5 की पावर 3। पहले बेस को देखो, क्योंकि बेस से एक्सपोनेंट बनता है इस वजह से हम पहले बेस को देखते हैं। बेस डिफरेंट है, अब एक्सपोनेंट को देखो, पावर के देखो तो ये हमारे पास क्या है सेम है। तो आप इस तरह करेंगे कि -4 और -5 तो मल्टीप्लाई करेंगे, और पावर हम क्या लेंगे, कॉमन लेंगे, यानी ए के पावर एम मल्टीप्लाई बाई बी के पावर एम जो लाता वो ला हमने इस्तेमाल किया। माइनस पे माइनस प्लस, हमेशा भी जब दो सेम सिंबल डिवाइड हो या मल्टीप्लाई हो तो इसका आंसर हमेशा प्लस आएगा। तो इधर भी है माइनस, इधर भी माइनस, क्या है प्लस, 4/5 = 20 और इसका पावर क्या है 3। तो ये हमारे पास था इस क्वेश्चन नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर 3 के जो पार्ट थे 7 पार्ट था। इसके जो दो बचे, दो पार्ट बचे वो आप खुद करें। पहले पावर के, पहले बेस को देखो, अगर बेस सेम नहीं है तो फिर पावर को देखो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 पढ़ेंगे।